सॉन्ग ट्राई करते हैं अखिल का। हो लखा है ने गल्ला जे होई ना तू मेरी, मैं रह जाना है कल्ला 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 कल्ला, तारा तोड़ ले आवा मैं तो तेनू इन्ना चावा। चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 हाउ द जॉश। हाय सर। हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गे शिफ्टर्स इंडिया। आज सुबह सुबह निकल रहे भाई, ये रही कार की चाबी, कार से जा रहे हैं, स्विफ्ट अपनी वो वहाँ पे खड़ी है आगे। तो आज का जो ब्लॉग जो रहेगा, बहुत ही ज़रूरी चीज़ लेने जा रहा हूँ मैं, सुमित्रा भाई, विराज भाई एंड मेरा भाई सनी, उसके घर जा रहा हूँ। तो वो दोनों वहाँ पर आ रहे हैं, विराज और सुमित्रा, तो हम एक साथ निकल रहे हैं, सीलिंग जा रहे हैं मुंबई। तो जो चीज़ लेनी हो मैं आपको वहाँ जाकर बताऊँगा। चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और भाई के चैनल को भी करना। भाई के चैनल का नाम है इंडियन रॉयल ट्रैवलर। तो चलिए चलते हैं। हाँ, तो बारिश हो रही है तो गाड़ी को तो साफ़ करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, तो निकलते हैं। आप बोलोगे मास्क नहीं पहना है, अभी घर से लेना है भाई सबको सामान। तो गाड़ी कर ली अभी टर्न, चलते हैं। तो मैं निकल चुका हूँ, जारों से नहीं गया, और एक बतानी बात, मतलब एक ज़रूरी बात बोलनी रह गई थी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप, तो आपको पता चलेगा मैं क्या लेने जा रहा हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अकेला ही हूँ, तो जा रहा हूँ भाई के यहाँ, सी लिंक रोड जाना है, सी लिंक मुंबई। एक्चुअली मुझे नहीं लगता मैं कभी वहाँ गया रहूँगा, सुना तो है बहुत बार, तो स्पेशली वही ज़रूरी चीज़ें हैं दो तीन जो लेने जा रहे हैं। बारिश भी आज पूरा कंटिन्यू हो रही है। लो भाई, लगता है भाई का फोन भी आ गया। चलो एक सॉन्ग ट्राई करते हैं अखिल का। हो लखा है ने गल्ला जे होई ना तू मेरी, मैं रह जाना है कल्ला 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 कल्ला, तारा तोड़ ले आवा मैं तो तेनू इन्ना चावा। ये पार्ट मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है, इसलिए इतने गाया, पूरा सॉन्ग नहीं आता मुझे, अच्छा लगे तो जरूर बताना। और बस अभी 2 मिनट में पहुंचने वाला हूं मैं, देखते हैं अब विराज और सुमित्रा भाई अभी तक पहुंचे या नहीं। को कॉल तो आया था पर अभी तक आए नहीं है। भाई बोला तू आ जा, बोला ठीक है भाई अपन रेडी रहते हैं, वो जैसे ही आते तो निकल जाएंगे। बारिश तो आप देखिए पूरी कंटिन्यू आ रही है आज। तो बस मैं पहुंच गया हूं, मुझे नहीं लगता वो दोनों आए हैं। कॉल आ गया, फोन कहां पड़ा, फोन रहा ये। हेलो, हाँ मैं आ गया थल्ले।
अच्छा कार कितने लावा? तो वो रहा भाई इंडियन रॉयल ट्रैवलर, ओके बाहर लगाने बोल रहा है, वो रहा घर ऊपर, तो गाड़ी पार्क करके आता हूँ उधर पीछे साइड में बाहर रोड पे। चलो भाई गाड़ी तो नीचे घर के नीचे ही पार्क कर दी, अभी चलते हैं ऊपर। तो भाई ये लोग आ गए, बड़ी लेट हो गए निकलने के लिए, इनकी वजह से लेट हुआ है हम लोगों को, इनकी वजह से। बुलेट के बाजू में लगा दो। तो भाई ये लोग आ गए, अभी पहुंच गए, दिखा दो भाई। विराज भाई कैसे हो? बस बढ़िया विराज भाई, अपनी दिखा दो। 10 साल पहले निकले थे, आज आ गए ये बाल वाला इंसान और इधर दो बिना बाल वाले मनप्रीत, ये मेरा छोटा भाई। पानी काबो बोले वहां से खाते ही आ रहे हैं, खाओ नहीं पीबो, चलो इतना टाइम, चलो आजा निकलेंगे फिर, अभी खत्म भी नहीं हो रहे, खत्म भी नहीं। तो गाइस बस निकलेंगे अभी 5 मिनट तक हम लोग। बंद कर देना। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, मिसल खाने के लिए रुक गए हैं अभी। तो गाड़ी को क्या हो गया भाई? तो यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, लिखने में मेरा मनी, तो आप देख सकते हो ये श्री समर्थ भेल। तो यहाँ पे हम लोग भेल खाएंगे, हाँ सॉरी मिसल खाएंगे, जो भी खाना है किसको वो खाएंगे, फिर मिलते हैं आपको, टाइम लॉप्स दिखाते हैं। चलिए गाइस, तो मिसल आ गई है, तो अभी हम खाना स्टार्ट करते हैं, तो आप देखते रहिए। ठंडा नहीं पीनी है, दो गुड़ का देना, एक इसको शक्कर का देना, शक्कर की चाय ला दो भाई, एक ये आंटी को कॉफी। तभी चाय ऑर्डर कर दी है, बढ़िया मीठी मीठी चाय पियेंगे भाई। देखो मिसल को पूरी खत्म कर दी, ये दोनों अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि ये ना बेचारे 5 बजे उठे थे, बोले ज्यादा भूख लगी हम लोगों को। तभी चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से, मिलते हैं रास्ते में। तो भाई ये रही चाय, बस मेरी बाकी है। और ये भैया यहाँ पे, यहाँ के समर्थ मिसल पाव के भैया ओनर है, आपका नाम बता दीजिए भैया। संतोष बिलारे, संतोष बिलारे भैया का नाम है। तो हमेशा जब भी हम आते तो यहीं पे खाते हैं मिसल पाव, यहाँ से खाए बगैर हम कभी नहीं जाते। बहुत 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 बढ़िया टेस्ट है भैया, थैंक यू। ये लोग को दिखा भाई जो अपने को अच्छे से सर्व करते हैं। अरे बंदे इनकी तो बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं सब। हेलो भाई, हेलो। ये सोमित्रा ये लेता रहता सब्जी को, देता नहीं है। चलो चलो भैया, ओके बाय बाय। नाश्ता चाय सब हो गया, अभी हम निकल रहे हैं। तो ये भाई की व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई, इंडियन ऑयल ट्रैवलर, लेकिन बाइक पे कम और कार में भाई ज़्यादा घूमता है। आगे आपको जाके लोनावला पहुँच के या रास्ते में कहीं जहाँ पे अच्छे व्यूज़ होंगे आपके व्यूज़ दिखाएंगे। चलिए चलते हैं।
तो अभी हम निकल रहे हैं। ड्राइवर चेंज कर दिया इन्होंने। हाउ इज द जॉश? हाय सर। फाइनली हम लोनावला पहुंच गए हैं। टोल नाका तो पीछे क्रॉस कर दिया था। ये पूरा मार्केट है लोनावला का, देखिए आप। लोनावला में फेमस जो है वो है कुमार रिजॉर्ट, तो वो यहाँ पर है। और ये कुमार रिजॉर्ट का वो सामने रहा रेस्टोरेंट। तो हम लोग यहाँ खंडाला घाट के यहाँ थोड़ा व्यू देखने के लिए आए हैं। फॉग है बढ़िया यहाँ पे। मेरे हमारे विराज भाई, वाह वाह बहुत सही। आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो पहले यहाँ पे नीचे ये पूरा एक्सप्रेस वे है, और जो ऊपर साइड में है वो पूरा ओल्ड हाईवे वाला है, मतलब ये जाने का रास्ता है। अब देखिए ट्रैफिक है पूरा वहाँ। आप देख सकते हो बैक साइड में बहुत सही व्यू, एकदम प्यारा, बहुत सही लग रहा है। मुंबई से पुणे से बहुत लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। मौसम ऐसे धूप में भी आओगे तो थोड़ा आपको ठंडा ही मिलेगा, क्योंकि हमेशा हवा चलती रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे ट्रेन भी जा रही है, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो ट्रेन भी जा रही है। ट्रेन भी आजकल
है ना, सुपर कार की तरह हो गई, कभी कभार ही देखने मिल रही है। वाह बहुत सही व्यू है। तो अभी थोड़ा यहाँ पे 5-10 मिनट जरा फोटो शूट करके, हाँ फोटो शूट करके निकलेंगे और फिर आगे का भी आपको दिखाएंगे। और ये रही सुपर बाइक BMW GTL। लोनावला में आपको सबसे ज़्यादा सुपर बाइक देखने मिलेगी, आप वीकेंड्स पे अगर आते हो तो बहुत, मतलब आप काउंट करते रह जाओगे इतने सुपर बाइक देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइस थोड़ा फोटो शूट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं रास्ते में। तो गाइज अभी कलमबोली पहुंच गए हैं, तो मेरा कजिन आ रहा है, तो कजिन को मिलेंगे 5 मिनट, उसके बाद निकलेंगे आगे सी लिंक की तरफ। तो ये देखिए मुंबई का ट्रैफिक थोड़ा बहुत जो भी है, तो बोले बोले ये भाई मोबाइल में है, इनको गांव से शायद फोन आया लगे हुए हैं। ऐसे ही निकलने वाले हैं, तो उसको बोला भाई मैकडॉनल्ड्स में नहीं, हम वहीं बाहर मिल जाएंगे अपोजिट साइड में ही, तो यहाँ से मिलके 5 मिनट बातें करके फिर निकल जाएंगे आगे, क्योंकि भाई यार बहुत टाइम बुलाते रहते, क्या हो तो बिना काम के अलावा तो आने होता नहीं है। तो अभी वो ऑटो से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा, तो बस उसको 5-10 मिनट बातें करके फिर निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। वॉइस भी बहुत आ रही होगी यहाँ पे गाड़ियों की, और क्लाइमेट भाई क्लाइमेट आपको देखने के लिए बड़ा अच्छा लगेगा, पर बहुत ना ऐसा ह्यूमिडिटी लग रही है सर, बहुत गर्म महसूस हो रहा है। अपने भाई का इंतज़ार था गर्म का, तो वो आ गया है, वो रहा वो शख्स मेरा भाई, वो बड़े टाइम से बुला रहा था मिलने के लिए, पर मैं उसको हरमन से मिलना है, बट वो जब पॉसिबल होगा तब मिलेंगे, अभी मैं मिल लेता हूँ फिलहाल के लिए। और मेरे की हाल चाल बढ़िया, ब्लॉग होना मेरे तेरा आज, कल लाऊंगा बाय बाय, जरूर आऊंगा करे मेरे, चल बाय बाय टेक केयर बाय। तो गाइस करण हुन चला गया, अपा फिर अगली बार मिलेंगे, उन्हें हरमन को मिलाना है ऊपर यार, हरमन को नहीं लाया मतलब, नेक्स्ट टाइम लाएंगे भाई ज़रूर। अभी यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है हमारा, तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से, चलिए मिलते हैं रास्ते में।
तो गाइस हम पहुंच गए मुंबई, तो गाड़ी ये रही अपनी, पेड़ पार्किंग कर दी है, अभी थोड़ा बहुत दूर है तो चल के जाना है हमें। अभी चलते चलते जाएंगे और फिर वो डायरेक्ट जहाँ पे जा रहे डेस्टिनेशन पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या लेने आए हैं हम। तो गाइस जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया था कि सेल लिंक रोड जा रहे हैं, एक्चुअली वो लोकेशन आ गया था वहाँ का, तो वो आप दोबारा लोकेशन मंगाया, तो ये हम अभी मुंबई में जो है ये बोरा बाजार में है, और यहाँ पे जो मैं लेने आया था वो है ये, आप देख सकते हो ये है GoPro 9 का मीडिया मोड। तो आप बोलोगे कि यार ये इतनी दूर क्यों लेने आया है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो एक्चुअली क्या है ना, तो ऑनलाइन से चीप मिल रहा था, लेकिन पुणे से मुंबई आए, खर्चा हुआ, हम वैसे भी कार में चार लोग आए, तो एक था कि मतलब हमें ऑनलाइन नहीं बोलना था उन्हें, वो बोल रहे थे कि आप ऑर्डर दे दो हम आपको भेज देंगे। तो क्या होता है मिलने के बाद एक ट्रस्ट हो जाता है कि चलिए हमें भी ट्रस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम अगर हमें कुछ ऑर्डर करना है या किसी को दिलाना है तो हम कॉल करके या व्हाट्सएप कर देंगे क्योंकि हमें ये चाहिए, तो पेमेंट उनका हम ऑनलाइन करवा देंगे। तो अभी जो है हम सामने सामने ले रहे हैं, तो ये शॉप इनके यहाँ पे, और शॉप का नाम जो है वो है कैमट्रॉनिक्स, कैमट्रॉनिक्स शॉप का नाम है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये फर्स्ट फ्लोर पे है, जीएसटी के नाम से ही ले रहे हो, तो एवरीथिंग इनके पास अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए, माइक वगैरह, माउंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, GoPro हीरो 9, मीडिया मोड्स, सब कुछ है इनके पास। तो ये यहाँ पे पूरा मार्केट है, मोस्टली यहाँ पे सब ज़्यादातर कैमरे के शॉप्स आपको दिख जाएंगे, DSLR वगैरह सारे शॉप्स हैं यहाँ पर। अभी इस बिल्डिंग का नाम मुझे पता नहीं है, तो अभी मैं ये बाय कर रहा हूँ, तो आपको इनका जो एड्रेस है, मैं अगर आप मुंबई में कहीं आसपास रहते हो तो मैं शेयर कर दूँगा, तो आप इनके पास से यहाँ डायरेक्टली आके या तो ऑनलाइन मैं नंबर भी शेयर कर दूँगा, तो आप परचेस कर सकते हो इनके शॉप से। एंड इसके साथ मैं बोया का या फिर कोई और माइक ले हुआ बस मोटो व्लॉगिंग के लिए, ये मैं एक्चुअली लेने आया था, इतने रेट में ही पड़ जाता था मुझे पुणे में भी। चलेगा ना, मैंने ये GoPro हीरो 9 का मीडिया मोड ले लिया है, बहुत बढ़िया है, मस्त है, एक नंबर सही है, देखिए। और कैसा है ना कि अलग से जो लांजी वाला लेते हैं वो माइक लगाना पड़ेगा, देन वो यहाँ पे इतना एक्सटेंड होगा, अलग से अडेप्टर, ये बेस्ट है, तो रेनी सीजन में भी यूज़ कर सकता हूँ, बट इसको पानी में नहीं डायरेक्ट डालना, तो मैं पानी में भी कहाँ जाता अपने को, तो बस मोटो ब्लॉगिंग के लिए चाहिए मेन, तो बहुत सही है ये, बेस्ट है। तो गाइज मैंने ये मीडिया मोड परचेस किया है, तो आप देखिए इसकी आवाज़ कैसे आ रही है, फ्रंट माइक है और ये है बैक माइक, कैसे आ रही होगी पता नहीं, पर अभी मैं चेक करता हूँ इसकी आवाज़ कैसी है। GoPro 9 के साथ GoPro 8 का भी मीडिया मोड ले रहे हैं भाई के लिए, इंडियन रॉयल ट्रैवलर, तो साथ में माइक वगैरह भी ले रहे हैं, एक्सटर्नल माइक, तो जो भी अभी देखते हैं अभी क्या क्या लेना है, जो जो दिमाग में आ रहा है ले रहा है भाई, यहाँ पे देख रहे हैं सब कुछ, अगर कोई चीज़ लग रही है, ओह बहुत बड़ी सेल्फी स्टिक है भाई ये तो। नहीं अभी रेडी में नहीं है, 85 रेडी है क्या, 24 mm आप बोलो तो मंगा देता हूँ, परसों मिल जाएगा। तो गाइस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, और अभी क्या क्या परचेज किया आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये लांसी का केस हो गया एक, देन लेवलियर के दो माइक,
देन अडाप्टर GoPro का, देन उसके बाद GoPro का 9, GoPro 9 का मीडिया मोड, देन बोया का माइक, देन ये दो माइक कोडेक के, इतने कुछ परचेस किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सारा परचेस हो गया है। तो गाइज ब्लॉग को एंड करते हैं और वीडियोस आप मेरे देखते रहिए, और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज फिर से बता रहा हूँ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।